लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज है 10 सितंबर 2024 और आज मैं जाने लग रहा हूँ वापस से चाइना। जैसा कि आपको सबको पता होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं अभी इंडिया आया हुआ था छुट्टियों में और अब मैं वापस जा रहा हूँ आज। और बहुत जल्द ही 2-3 दिनों में चीन में एक बहुत ही विशेष फेस्टिवल है जो जिसको काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है चीन में और इसको कहते हैं चोंग छू चे मिड ऑटम फेस्टिवल। इस साल चोंग छू चे 15 से 17 सितंबर 3 दिन तक की छुट्टी है पूरे चीन में और इस छुट्टी के दौरान सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल कॉलेजेस सारे बंद रहते हैं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है चीन में। और इस दौरान जितने भी लोग हैं ऑफिस में या जो सोशल फैमिली लाइफ जो भी है वो साथ में इकट्ठे डिनर और काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं अपने होम टाउन में। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने होम टाउन से जा रहा हूँ चीन में और ये कुछ रास्ते के नज़ारे। और मेरी फ़्लाइट शाम की है, इनफैक्ट रात की है, तो मैं मिडवे जयपुर से दिल्ली और यहाँ पे कुछ चाय के मज़े लेते हुए, मौसम ठीक ठाक और थोड़ी बारिश हुई है पीछे 2-3 दिनों में और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, पर ये भी है कि हो सकता है शायद आगे बारिश भी हो जाए जैसा मैंने फ़ोन में वेदर फोरकास्ट देखा। और ये दिल्ली पहुंचने के बाद बरसात का ये ज़बरदस्त स्वागत। और ये अपना दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिपार्चर एरिया, एज यूजुअल शाम का वक्त और काफ़ी भीड़। और ये मैं ट्रेन लेते हुए हांगकांग से लोकल चाइना फुजियान प्रोविंस के लिए और ये है काओलून वेस्ट रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारे। बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है और बहुत ही कन्वीनियंट। तो अगर आप भी चाइना जा रहे हैं और अगर आप साउथ चाइना में जा रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया रूट है। और ये फाइनली मैं फुजियान प्रोविंस में और ये शाम के वक्त सोने से पहले थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। दोस्तों अगर फुजियान की बात करें तो फुजियान बाकी प्रोविंसेस अगर जैसा जेजियांग या चांगशी या हनान प्रोविंस है वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है और इनफैक्ट भाषा भी काफ़ी डिफरेंट। सो वेलकम टू मिड ऑटम फेस्टिवल डिनर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 14 सितंबर और इस वक्त मैं हूँ फुजियान के शामन सिटी में और आज है चाइना का मिड ऑटम फेस्टिवल जिसको चोंग छू चे भी बोलते हैं। और ये हमारे ऑफिस की तरफ से डिनर है और अभी डिनर से पहले की सारी तैयारियाँ जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो प्लीज़ हैव अ लुक एंड डोंट गो एनीवेयर। इस वीडियो में आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोशल जो लाइफ होती है यहाँ पे और कैसा डिनर होता है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। और ये अभी इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ये है ट्रेडिशनल सी फूड रेस्टोरेंट। सो कहीं में जाइए, बने रहिए एंड हैव अ लुक एंड एंजॉय। चिरा था छः सौ ओके ओके那些呢？我不认识这些。I only know very much. 咱们福建厦门里也有一个很 famous seafood restaurant。那就先这样，快点。
要上菜还是等一下？再过十分钟吧。我也不想。好。那我十分钟以后。我的比亚贝阿根，玻璃的修的，没得阿瓦，家里的东西。तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, बाकी आप नज़ारे एंजॉय करें। Typical look of any seafood restaurant in anywhere in China. And singing is a part of common dinner. Especially if you travel to Fujian, you'll see people singing with KTV setup in restaurant also. And see now people already gathered. कुछ और जनता भी आ चुकी है अभी एंड वेटिंग फॉर मोर पीपल टू अराइव टू स्टार्ट द डिनर और डिनर से पहले ये कुछ टेबल के नज़ारे और ये डाइस गेम ये देखें और इसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू ये जो नीचे शीट है और अगर वो पॉइंट्स आप अचीव करते हैं तो यू विल गेट सम प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट और गिफ्ट में काफ़ी सारे फूड आइटम होते हैं और हाउस अप्लायंसेस भी होते हैं सो प्लीज हैव अ लुक और माहौल धीरे धीरे काफ़ी एक्साइटमेंट से भरता हुआ मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को अनम्यूट करता हूँ सो दैट यू कैन मेजर द टेम्परेचर सो दोस्तों आशा करता हूँ आपने नॉइज़ को ज़बरदस्त इन्जॉय किया होगा बट बहरहाल लेट्स कंटिन्यू और ये मेरे साथ में ये मेरे मित्र इनसे कुछ गपशप करते हुए मैं और तो हैव अ लुक एंड हैव फन And mostly they got excited, especially in Fujian when talk to foreigners. और ये यहाँ से शुरू होता है हमारा डाइस गेम टू विन प्राइजेस जी हाँ आप देखें लोग सारे यहाँ पे कितने एक्साइटेड और ये एक छोटा बच्चा भी अमेजिंग और ये शुरू होता है गाने का दौर खाने से पहले So dosto, I hope you enjoy this video. Aur hamesha ki tarah, if you like this video, please like, share, subscribe and comment to support me. Thank you very much.